हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 8th ट्यूटोरियल है कॉटलिन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लासेस की, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की, और हम बात करेंगे डाटा क्लासेस की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। तो इस क्लास को आप कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, और इसे मैं नेम दे रहा हूँ पर्सन, और इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा। जब भी आप क्लास के हेडर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन आप ये तभी लिखेंगे जब आपको इसमें किसी आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कोई भी अनोटेशन हो या विजिबिलिटी मॉडिफायर हो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्टर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ नेम, और किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एज जो कि होगी आपकी इंटीजर टाइप की। और ये हमारा एग्जांपल हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का। अब देखिए, जब भी आपको कोड इनिशियलाइज कराना होता है तो आप उसे लिखते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक कैसे लिखते हैं, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है इनिशियलाइज init init करके। यहाँ पर आप अपने कोड को इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन में, कम ऑन, डबल कोटेशन में लिखा माई नेम इज, डॉलर का साइन यहाँ पर यूज़ करूँगा नेम, एंड माई एज इज डॉलर का साइन एज। इस तरीके से अब हमें वैल्यू देनी होगी नेम और एज को। तो हमने मेन फंक्शन के अंदर पर्सन को यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे पर्सन, और उसके बाद यहाँ पर इसे वैल्यू दे देंगे दोनों को। तो सबसे पहले मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर नेम को, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विजय, और सेकंड हमारी चीज़ है एज। तो एज आप मैंने दी 35, ये मेरी एज है, यहाँ पर मैंने दे दी। सेव कर लेते हैं इसे, और इसे रन करेंगे, और इसके मैं बाद हम लोग बात करेंगे आपके क्या बोलते हैं, कैसे आप अपनी क्लास में प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा माई नेम इज़ विजय एंड माई एज इज़ 35। इस तरीके से जब भी आपको अपनी कहते क्लास के साथ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मैं लिखता हूँ वेयर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर। तो अब हम इसे एज अ प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं एच के अंदर पर्सन को, और यहाँ पर हम लोग क्या कराते हैं प्रिंट एलन डबल कोटेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई नेम इज डॉलर का साइन करली बेसिस एच डॉट नेम एंड माई एज इज डॉलर का साइन एच डॉट एज। इस तरीके से सेव कर लेंगे इसे, और देखिए मैंने वेर यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि मैं कहते हैं इस नेम को चेंज कर सकता हूँ, और इस एज को भी, दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए वो किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एच डॉट नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं लिखता हूँ जॉन इस तरीके से, और आप इसमें एज भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो किस तरह से करेंगे, एच डॉट एज इज इक्वल टू 32। ये मैंने इस तरीके से कर लिया, सेव कर लेते हैं इसे, और इसे रन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे तीन आउटपुट आ रहे हैं, माय नेम इज़ विजय जो कि यहाँ से आ रहा है, दूसरा हमारा आउटपुट यहाँ से आ रहा है। ये लाइन कोड मैंने ऐड की है एक्स्ट्रा, ताकि हमारा जॉन और 32 हमारा प्रिंट होकर आ जाए। तो ये हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। अब हम बात करेंगे डाटा क्लासेस की, डाटा क्लासेस को क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लेट अस सपोज़ कीजिए, यहाँ पर मैंने जिस तरीके से एच पर्सन के लिए बनाया था, उसी के लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, एक एच वो हो गया, एक एच वन हो गया, इसमें अलग अलग हमारी वैल्यूज होती हैं। अगर मैं सेम वैल्यू रखता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डाटा क्लासेस का। अगर आप सिंपल क्लासेस का यूज़ करके करते हैं तो आपका कंपैरिजन नहीं होगा। देखिए, अगर मैं प्रिंट एलन लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ एच इज़ीकल टू एच वन, ये मैंने कंपैरिजन किया, ये इसकी वैल्यू बूलियन में आएगी ट्रू या फॉल्स। देखिए दोनों में सेम है, विजय एज भी 35 है, दोनों सेम है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, रन करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, जबकि वैल्यू होनी चाहिए थी ट्रू। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये हमारा इन दोनों के ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहा है।
तो देखिए इन दोनों के डाटा को कंपेयर नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डाटा क्लासेस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाटा क्लास इस तरीके से, और देखिए डाटा क्लास जब हम यूज़ करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि जो सेम सेम डाटा है दोनों में। और देखिए ये आपको क्या क्या चीज़ देता है इसके साथ डाटा क्लासेस, आप एक तो इक्वलिटी चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं, और कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग का और डिस्ट्रक्चरिंग का। तो देखिए सबका एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारा एग्जांपल हो गया आपका इक्वलिटी का इस तरीके से। अब हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग में चेंज कर कैसे करता है। अगर मैं H1 को प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ln H। अगर मैंने ये डाटा नहीं लगाया होता और मैं इसे प्रिंट करवाता तो यहाँ पर ये कोई एड्रेस पास कर देता प्रिंट H की जगह पर, हमारा आउटपुट में एड्रेस पास होता। लेकिन हम डाटा क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं तो अब देखिए ये पास क्या करेगा, ये विजय और अजय इस ऑब्जेक्ट को पूरा पास कर देगा। यहाँ पर रन करते हैं इसे, फिर हम एग्जांपल लेंगे आपका कॉपी का कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं या नहीं, किसी वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन नेम विजय और एज आ गया यहाँ पर 35। अब देखिए कॉपी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेयर H2 इक्वल टू लिखता हूँ H डॉट कॉपी, और ये क्या होगा H हमारा कॉपी हो जाएगा H2 में, और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवाएंगे अगर H2 को, तो ये सेम वैल्यू हमारी प्रिंट करके हमें दे देगा। सेव कर लेते हैं इसे और इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए सेम वैल्यू इसने हमें दे दी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। उसके लिए अगर मैं 3 इक्वल टू लगाऊं और यहाँ पर लगाऊँ H2 इज इक्वल टू H लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो ये क्या दोनों सेम होंगे, ये वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट इसमें सेम नहीं होंगे, सिर्फ वो कॉपी कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो देखिए उस केस में हमारा आ गया फॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।